ISO, इट मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO। ISO की स्थापना 23 फरवरी 1947 में जिनेवा में हुई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन है। ISO विश्व में वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के मापदंड निर्धारित करती हैं। अभी तक ISO ने लगभग 22,041 अंतर्राष्ट्रीय मानक को प्रकाशित किया है। ISO के मानक प्रमाण पत्र उद्योग, कृषि, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। वर्तमान में इसके 162 देश सदस्य हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ISO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, सेवाओं और प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए मानक बनाता है और जो उत्पाद एवं सेवाएं ISO द्वारा तय किए गए मानकों पर खरे उतरते हैं उनको बेचना किसी भी कंपनी के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ISO द्वारा जारी किए गए मुख्य मानकों के नाम किस प्रकार से हैं। फर्स्ट है ISO 9001, इसका क्षेत्र है गुणवत्ता प्रबंधन। नेक्स्ट है ISO 14001, फील्ड है पर्यावरण प्रबंधन। नेक्स्ट ISO 22000, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन। ISO 13485, इसका फील्ड है चिकित्सा उपकरण। नेक्स्ट है ISO 20121, इसका फील्ड है सस्टेनेबल आयोजन, यानी कि सस्टेनेबल इवेंट्स। नेक्स्ट है ISO 639, इसका फील्ड है भाषा कोड। नेक्स्ट है ISO 45001, जिसका फील्ड है व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा। नेक्स्ट है ISO 4217, फील्ड है मुद्रा कोड। नेक्स्ट है ISO 37001, फील्ड है विरोधी रिश्वत प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट है ISO /IEC 17025, इसका फील्ड है परीक्षण और जांच प्रयोगशालाएं। नेक्स्ट है ISO 26000, सामाजिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है ISO 8601, दिनांक और समय का प्रारूप। नेक्स्ट है ISO 31000, जोखिम प्रबंधन के लिए। ISO 3166, कंट्री कोड्स के लिए है। ISO 5001, ऊर्जा प्रबंधन के लिए। एंड लास्ट ISO और IEC 27001, सूचना सुरक्षा प्रबंधन हेतु। ISO द्वारा तय किए गए मानक विभिन्न संगठनों और कंपनियों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। कंपनी और संगठन यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके उत्पाद और सेवाएं लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर खरे उतर सकें और ISO इस काम के लिए इनकी मदद करता है। डियर एस्पिरेंट्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।